हेलो गाइस, दिस इज़ निकू चौहान। वेलकम टू रॉयक्ट मीडिया। गाइस, आज मैं आया हूँ इस शॉप पे क्योंकि मुझे DSLR परचेज़ करना था। आप देख सकते हैं, तो गाइस ये जो शॉप है वो ऑन रोड होने के कारण इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वीडियो में भी आप बहुत ज़्यादा शोर सुनेंगे तो उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ। तो आगे चल के भैया, ये देखिए देखो, ये जो खड़े हैं ये भैया दुकान के ओनर, इनका नाम है मुकेश कुमार। तो चलिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनकी दुकान में कौन कौन से कैमराज हैं जो हमारे लिए बजट में फिट बैठते हैं। चलिए आइए भैया से बात करते हैं गाइस। तो भैया जी बताइए, आपकी आपकी दुकान में किस किस रेंज के कैमरा हैं? सब रेंज के हैं। जैसे अगर मिनिमम कैमरा है मान लिया जाए तो कितनी रेंज से स्टार्ट होती है? मिनिमम 40,000 रुपये। मिनिमम 40,000। कौन सा मॉडल आता है? 1500 40,000। और मैक्सिमम जो रेंज आती है वो कितनी है? रेंज आती है 3 लाख के ऊपर भी। तो देखा गाइस, भैया के पास सब तरह के कैमरा आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप कहीं आसपास क्षेत्र के हैं, आगरा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो एक बार आइए भैया की शॉप में, विजिट कीजिए, बाकी और एक्सप्लोर करते हैं। भैया के एक बार वॉक अराउंड दिखा देते हैं दुकान का। तो गाइज, फाइनली भैया की शॉप पे एक घंटे तक डिस्कस करने के बाद हमने ये डिसाइड किया है। मुझे जो कैमरा पसंद आया, जो हमारी ज़रूरतों में फिट बैठता है और बजट में भी, वो ये है पैनासोनिक का GMC G85M। और इसकी डिटेलिंग के बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये देखिए इस तरह से, ये इसका कुछ आउटलुक है, ये इसकी कुछ फीचर्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, इसकी फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसा कि भैया ने हमें बताया कि इसमें 4K रिकॉर्डिंग हो सकती है नॉन स्टॉप। पर्चर जो है इसका ये अच्छा है, तो ये सारी फीचर्स हैं। और बाकी इसमें एक प्रोफेशनल मोड है जो ब्लॉगर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो इसलिए ये मुझे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि हमें तो ब्लॉगिंग ही करनी है। बाकी बजट और प्राइस की बात करें तो गाइस, ये मुझे भैया की शॉप से पड़ा है लगभग 67,000 में। बाकी जो फाइनेंस वगैरह का भी ऑप्शन है भैया के यहाँ से, तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो फाइनेंस पर भी आप यहां से ले सकते हैं, फाइनेंस की सुविधा है। अब चलिए अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। और गाइस आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सील पैक है, यहां पे इस पर ब्रांडिंग लगी है, इसमें 2 ईयर वारंटी मिलती है हमें। तो गाइस अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये निकाली मैंने इसकी पॉलिथिन। तो गाइस सबसे पहले देखने को मिलता है इसमें, ये इसके मैनुअल्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं ये किस मैनुअल्स वगैरह हैं। इसकी सेफ्टी लॉक्स हैं, कट लॉक्स हैं, आप देख सकते हैं सब। तो गाइस ये देखिए, इसके अंदर हमें ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि ये कैमरा लेंस कैमरा है, ये इसका कैप है। ये लेंस इसका 1260, ये भैया ने बताया कि जैसे इसका 1260 का mm का ये लेंस है। की कैमरा बॉडी है, ये है मेन यूनिट कैमरा, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसको रख देते हैं साइड में। इसकी बेल्ट है और ये है इसका स्ट्रिप, और अगली चीज़ जो हमें मिली है इस बॉक्स में, इसका डाटा केबल, जिसे आप अपने लैपटॉप पीसी वगैरह में लगा कर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये है इसकी बैटरी, सिंगल यूनिट मिलती है इसमें बैटरी, आप देख सकते हैं। और बाकी ये आपका बैटरी चार्जर, आप देख सकते हैं। और ये है एडाप्टर, टोटल मिला के भाई देखिए आप, हमें इतनी सारी चीज़ें मिली हैं।
तो गाइस देख सकते हैं इतने सारे पार्ट्स इसके अंदर से हमें बॉक्स में मिले हैं। बाकी भैया ने इसमें ये लेंस है वो ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। बाकी ये एक और पार्ट है इसकी लेंस का, इसको भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमने कैमरा परचेज कर लिया, भैया को पेमेंट हो गई है। मुझे गाइस ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, भैया ने ही रिकमेंड किया था। एक्चुअली मैं तो पता नहीं कौन सा लेने आया था G50 करके, तो भैया ने कहा कि आप जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए इतना हाईफाई कैमरा अच्छा नहीं होता। क्या है कि इतना महंगा कैमरा लेने के बाद अभी कोई दिक्कत आ जाए, हम लोग अच्छे से चलाना भी नहीं जानते, स्टेबलाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें हम पहले सीखेंगे इस छोटे वाले कैमरे में, हम आगे चल के बढ़िया प्रोफेशनल कैमरा लेंगे। तो ये था आज का हमारा रिव्यू इस कैमरा का। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह, इसकी फोटोज वगैरह हम इंस्टा पे अपने पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। गाइस फाइनली वो मोमेंट आ गया है कि जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। गाइस जैसा कि मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया कि हमने बेसिक चीज़ें ही जब तक परचेज करी थी ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो मिसिंग थी, और वो था गाइस ये एक DSLR कैमरा। तो गाइस फाइनली वो भी आज हमारे पास है, आप देख सकते हैं। और इसकी फीचर्स की बात करें गाइस तो इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये गाइस मिररलेस कैमरा है, तो इसका जो अपर्चर है वो 3.5 से लेकर 5.6 तक है। इसकी जूम है गाइस वो इसकी 12mm x 60mm, तो यानी मिररलेस है, तो इसका ये डबल हो जाता है। और मेन चीज़ जो गाइस इसकी जो डिस्प्ले है वो रोटेटेबल है, आप इसको बाहर निकाल के इस तरह से और इसको रोटेट कर सकते हैं। आप सामने से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको इससे फोल्ड करके इस तरह लगा सकते हैं, किसी भी एंगल से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गाइस। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इस तरह से अगर आप ऊपर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरह आपको नीचे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप हाई एंगल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिस्प्ले उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो आई होप गाइस आपको भी पसंद आया होगा, मुझे काफ़ी पसंद आया। और बाकी इससे आप वीडियो शूट करके देखेंगे तो आप भी बताइए कि जो वीडियो की क्वालिटी है गाइस, अब तक मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट किया करता था, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी गाइस, ब्लरिंग वगैरह होती थी, फ्लिपिंग वगैरह होती थी लाइट्स की, तो वो सब इससे दूर हो जाएगी। तो गाइस आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।